हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फूड मेकिंग डॉट कॉम। आज हम भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगी बिना मसाले वाली। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये हमने भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए एक पाव भिंडी ली थी जिसको हमने वॉश करके ड्राई कर लिया है। ये हमने प्याज लिया है, 8 प्याज है, छोटे प्याज इसलिए हमने 8 लिए हैं, बड़े हैं तो आप 4 ले सकते हैं। ये हमने 7 लहसुन की कलियाँ ली हैं, 6-7, 2 हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक और 2 बड़े चम्मच तेल है, 1 छोटा कप फुल कप। सबसे पहले हम भिंडी को कट कर लेते हैं। भिंडी को कट करने के लिए हम इसका ऊपर का ये भाग निकाल देंगे और नीचे का ये भाग। इसी तरह से हम पहले सारी भिंडियों को कट कर लेते हैं। हम इसको एक साइड हटा देते हैं। भिंडियों को हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। भिंडी को कई तरह से कट करते हैं, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आज सब्जी बना रहे हैं बिना मसालों की, इसलिए हम इसको छोटे छोटे शेप में कट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी भिंडी कट कर लेते हैं और प्याज को भी हम बिल्कुल बारीक कट करेंगे। ये हमने सारी भिंडी कट कर ली है, अब हम प्याज को भी कट कर लेते हैं, इसको एक साइड रख देते हैं। ये हमने कट कर लिया है भिंडी को भी और प्याज को भी बारीक बारीक, और ये लहसुन मिर्च भी कट कर लिया है। मिर्च को हमने बड़े टुकड़ों में कट किया है ताकि अगर आपको मिर्ची नहीं खाना है तो आप निकाल सकते हैं, और अगर आप तीखा खाते हैं तो आप खूब बारीक मिर्ची कट करके डालें। गैस ऑन कर देते हैं। हमने ये लोहे की कढ़ाई ली है, आयरन की, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। इसमें भिंडी की सब्ज़ी का स्वाद दोगुना बढ़ जाता है, इसलिए हमने ये कढ़ाई ली है। तो कढ़ाई गर्म हो जाए फिर हम इसमें तेल डालेंगे। ये हमने ऑयल डाल दिया है, एक टुकड़ा प्याज डाल के देखेंगे, ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें ये सारी प्याज डाल देते हैं। लहसुन मिर्च भी डाल देंगे एक साइड। आप चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं, बट हम बिल्कुल प्लेन सब्जी बना रहे हैं इसलिए सिर्फ प्याज का फ्लेवर आएगा, प्याज और भिंडी का। प्याज को हम 1 मिनट चलाएंगे, उसके बाद इसमें भिंडी भी डाल देंगे। प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है क्योंकि ये भिंडी के साथ पकेगी अभी। प्याज को हमने 1 मिनट उसे चला के भून लिया, हम इसमें ये भिंडी भी डाल देते हैं सारी। थोड़ा थोड़ा भिंडी डाल के चलाएंगे। गैस को मीडियम कर देंगे, नहीं तो जल जाएगा। अब हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिला के गैस बिल्कुल धीमी करके हम इसको ढक के पकाएंगे अभी, और 2-2 मिनट पे हम इसको देखते रहेंगे, 2-3 मिनट बीच में इसको चलाते रहेंगे जब तक ये पक ना जाए अच्छे से। तो प्लेट से ढक देते हैं। गैस हमने बिल्कुल कम से थोड़ा सा तेज किया है, इसको इसे धीमी आंच पे पकने देंगे और 3 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। हो गया है, हम एक बार चेक कर लेते हैं भिंडी को। भिंडी की सब्जी कई तरीकों से बनती है, मसाले वाली, बेसन वाली, कुछ भी भिंडी, ग्रेवी भिंडी। अभी हम ये
सिंपल सी भिंडी की सब्जी बना रहे हैं। आने वाले वीडियोस में हम आपको हर तरह की भिंडी की सब्जी बनाना दिखाएंगे। अब हम इसको ढक देते हैं फिर से और गैस थोड़ा सा तेज करेंगे और दो दो मिनट तक इसको हम चलाते रहेंगे। थोड़ा सा तेज करेंगे, ज़्यादा नहीं। चेक कर लेते हैं भिंडी को, भिंडी पूरी पक चुकी है। भिंडी पूरी पक चुकी है, हम इसको दो मिनट बिना ढके हुए पकाएंगे। पाँच मिनट तक हमने बिल्कुल धीमी गैस पे इसको पकाया और दस मिनट तक थोड़ा मीडियम गैस पे। दो मिनट इसको ओपन करके छोड़ देंगे इसे चलाते हुए। उसके बाद इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। सारी भिंडियों को हम ऐसे करते हुए निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल नीचे रुक जाए। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो बेस्ट है कि आप अदरक लीजिए, अदरक का बारीक टुकड़ा, जैसे हमने बारीक प्याज कट किया था उससे भी बारीक अदरक का टुकड़ा ले लीजिए एक छोटा सा, और हरी मिर्च उसको आप डाल दीजिए, और उसमें आपका भिंडी चिपकने का भी डर नहीं रहता है, बहुत अच्छे से पक जाएगा। ऑयल हमने जितना यूज़ किया था इसका हाफ ऑयल लगेगा अगर आप प्याज और लहसुन नहीं डालेंगे तो, क्योंकि प्याज डालने से ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसी तरह से हम सारा भिंडी निकाल लेंगे और भिंडी की सब्जी तैयार है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से हमने ये सब्जी बनाई, बहुत ही टेस्टी है, एक अलग ही टेस्ट है बिना मसालों का, जो कि उभर के प्याज और भिंडी का स्वाद आता है। खासकर बच्चों को ये सब्जी बहुत पसंद आती है, वो तो बिना रोटी के ही इसको खा लेते हैं। आप इसको पराठे, रोटी, दाल, चावल किसी के साथ भी सर्व कीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।